कि एनए 240 जिमनी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इकबाल गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल पोलिंग बूथ नंबर 3 का नतीजा आ चुका है। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार शहजादा शहबाज 23 वोट लेकर आगे हैं। एम के एम पाकिस्तान ने 8, एम के एम हकीकी ने 5 वोट हासिल किए हैं। एनए 240 का मैदान सजा हुआ है और अब गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इकबाल गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल पोलिंग बूथ नंबर 3 का नतीजा सामने आ चुका है और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार शहजादा शहबाज वहां से 23 वोट लेकर सबसे आगे हैं, जबकि एमकेएम पाकिस्तान ने 8 और एमकेएम हकीकी ने 5 वोट हासिल किए हैं। एनए 240 जिमनी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज का सिलसिला इस वक्त जारी है। इकबाल गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल पोलिंग बूथ नंबर 3 का नतीजा आ गया। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार शहजादा शहबाज 23 वोट लेकर आगे हैं, जबकि एमकेएम पाकिस्तान ने 8, एमकेएम हकीकी ने 5 वोट लिए हैं। एनए 240 जिमनी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। इकबाल गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल पोलिंग बूथ नंबर 3 का नतीजा आ गया। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार शहजादा शहबाज 23 वोट लेकर आगे हैं, जबकि एमकेएम पाकिस्तान ने 8 वोट लिए, एमकेएम हकीकी ने 5 वोट लिए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार शहजादा शहबाज 23 वोट लेकर आगे हैं, जबकि एमकेएम पाकिस्तान ने 8 और एमकेएम हकीकी ने 5 वोट लिए हैं। इकबाल गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल पोलिंग बूथ नंबर 3 का नतीजा आ गया।